यीशु स्वर्ग की ओर लौट गईलन। जवनी दिने परमेश्वर यीशु के मुर्दन में से जीवित कैले रहलन, उनकर दूगो चेला पास की गांव में जात रहले। चलत का उ लोग यीशु के साथे जेवन भइल रहे ओकरी बारे में बात करत रहले। उ लोग के आशा रहे कि उ मसीह रहलन ह, लेकिन तब उ मारल गईलन ह। अब उ औरत कहत बानी कि उ फिर से जी गईल बाने। उ लोग ना जानत रहले कि कौनी बात पर विश्वास करे के बा। यीशु उ लोगन के पास आके उ लोग के साथे चलल शुरू कैलन, लेकिन उ लोग उनके ना पहचानले। उ पूछने कि उ लोग के करी बारे में बात करत रहले ह। उ लोग उनके पिछला दिन में यीशु के साथे भइल कुल घटना के बारे में बतौले। उ लोग सोचले कि उ लोग कौनो परदेशी से बात करत बाने, जवन कि नइखन जानत कि यरूशलेम में का भइल बा। तब यीशु उ लोग के समझौले कि परमेश्वर का वचन मसीह के बारे में का कहत बा। बहुत पहले भविष्यता लोग कहले रहे कि बुरा लोग मसीह के पीड़ित करिहन और मार डलिहें, लेकिन भविष्यता लोग इहो कहले रहले कि उ तीसरा दिन जी उठिहन। जब ओ नगर में पहुँचले जहाँ उ दोनों जना रुकल चाहत रहले, तब ले लगभग साँझ हो गईल रहे। उ लोग यीशु के अपने साथ में रोके के खातिर न्योता दिहले। तब उ लोग के साथे एगो घर में गईलन, अपन साँझ का भोजन के खाए के खातिर बैठ गईले। त यीशु एगो रोटी के लेके ओकरे खातिर परमेश्वर का धन्यवाद दिहले और फिर ओके तोड़लन। अचानक से उ लोग जान गईले कि उ यीशु हवन, लेकिन वही समय उ लोगन के आँख से दूर हो गईलन। उ दोनों जना एक दूसरा से कहले उ यीशु रहले ह। यही से जब उ हमनी के परमेश्वर का वचन के समझौले ह, त हमनी का बहुत ही खुश रहमी जा। तुरंते उ लोग निकल के वापस यरूशलेम में गईलन। जब उ लोग पहुँचले त उ लोग चेलन के बतौले कि यीशु जिंदा बाड़े, हमनी का उनके देखनी ह जा। जब चेला लोग बात करत रहले त अचानक से यीशु ओ कमरा में उ लोगन पर प्रगट भइलन। उ कहलन कि तुहन लोग के शांति मिले। चेला लोग सोचले कि उ केवनो भूत ह, लेकिन यीशु कहलन कि तू लोग काहे के डेरात बाड़ा जा। तू लोग काहे नहीं सोचत बाड़ा जा कि ई सही क हमही यीशु हई। हमारी हाथ और पैर के देखा जा, भूतन के पास ऐसन शरीर ना होला जैसन कि हमारी पास बा। ई दिखावे के खातिर कि उ केवनो भूत नइखन। उ खाए के खातिर कुछ मंगले। उ लोग उनके मछली का एगो टुकड़ा दिहले औरी उ ओके खा गईलन। यीशु कहले हमारी बारे में परमेश्वर का वचन जेवन कुछ भी कहत बा उ होई। हम तुहन लोगन के बतौले रहने कि एकर भइल जरूरी बा। तब यीशु उ लोगन के परमेश्वर का वचन अच्छा से समझौले। उ कहलन कि बहुते पहले भविष्यता लोग लिखले रहले कि हम मसीह के दुख उठावे के पड़ी, मरे के पड़ी और फिर तीसरा दिने मुर्दन में से जी उठिहन। उ भविष्यता लोग इहो लिखले कि हमार चेला लोग परमेश्वर के वचन का घोषणा करी है। उ लोग हर एक जना के पछताप करे के खातिर बताई हैं। यदि उ लोग ऐसन करिहन त परमेश्वर उ लोग के पाप के क्षमा करी हैं। हमार चेला लोग इस संदेश का प्रचार कइल यरूशलेम से शुरू करी हैं। तब उ लोग सब जगह पर सब जातियन में जई हैं। तोहन लोग हमारी हर एक बात औरी काम का गवाह हुई है औरी जेवन हम कहले बानी औरी कैले बानी औरी सब कुछ जेवन हमारे साथे भइल बा। अगला 40 दिन के बीच यीशु अपनी चेलन पर कई बार प्रगट भइलन। एक बार तो उ एक ही समय 500 से अधिका लोगन पर प्रगट भइलन। उ
अपने चेलन पर कई तरीका से साबित कैलन कि उ जिंदा बाड़े और उ लोगन के परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दिहलन। यीशु अपने चेलन से कहले, परमेश्वर हमके स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक जना पर शासन करे का अधिकार देले बाड़े। यही से अब हम तोहन लोग से कहत बानी, जाके सब जातियन के लोगन के चेला बनावा जा। ऐसन करे के खातिर तोहन लोग के उ लोगन के पिता पुत्र औरी पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जा। जेवन कुछ हम तोहन लोग के आज्ञा देले बानी, वो सब बात के माने के भी बा, उ लोग के सिखावे के बा। याद रखिया जा, हम हमेशा तोहन लोग के साथ रहब। यीशु के मुआला में से जी उठला के 40 दिन के बाद उ अपने चेला लोग से कहले कि जब तक कि हमार पिता तोहन लोग के सामर्थ ना दिहे, तबले यरूशलेम में रुकल रहिया जा। उ तोहन लोग पर पवित्र आत्मा भेजला के द्वारा ऐसन करिहन। तब यीशु स्वर्ग में चल गइलन और एगो बादल उनके उ लोग की नजर से छिपा दिहलस। स्वर्ग में यीशु सब चीजन पर शासन करे औरी परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गइलन। मत्ती 28 का 16 से 20, मरकुस 16 का 12 से 20, लूका 24 का 13 से 53, यहुन्ना 20 का 19 से 23, तेरितो काम 1 का 1 से 11 से एगो बाइबिल का खिस्सा